नमस्कार, हम अफरोज दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सल्यान में बस दुर्घटना में 8 जने के मृत्यु, 26 जने घायल, घायल सबके उद्धार कार्य जारी। बिहान से शुरू हो रहा छठ पवनी के जनकपुर धाम में भव्य तैयारी। रामायण कालीन पोखरा, धनुष सागर, गंगा सागर, अंगराज सरोवर सजाओल जा रहा। भारत आ बांग्लादेश से विद्युत बिक्री के रास्ता खुलल। ऊर्जा मंत्री भूषाल के कहना, पेट्रोलियम पदार्थ के विस्थापित कैला पर व्यापार घाटा में सुधार होके के आशा। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा निवास के लक्षित करत विस्फोटक पदार्थ सहित के ड्रोन हमला, प्रधानमंत्री मुस्तफा सुरक्षित। आ आईसीसी T20 विश्व कप अंतर्गत अफगानिस्तान आ न्यूजीलैंड बीच आज प्रतिस्पर्धा हो रहा, न्यूजीलैंड जीती त सेमीफाइनल में स्थान पक्का। अब पूरा समाचार। सल्यान में बस दुर्घटना भइला पर 8 जने के मृत्यु भइल बाटे। सल्यान से दांग के तुलसीपुर तरफ जा रहल RA 125 नंबर के बस सल्यान के दुलधारा पोखरा खलंगा होकत दांग के तुलसीपुर जा रहल समय सवेरे 11 बजे कुपरकोट के खार खोला लगे दुर्घटना में पड़ल रहे। सल्यान के प्रहरी प्रमुख DSP गोविंद थापा, 6 जने के घटनास्थल में ही आ 2 जने के अस्पताल में मृत्यु भइला, 26 जने घायल भइल जानकारी दहल बानी। दुर्घटना में घायल भइल सबके उद्धार कार्य जारी रहल, प्रहरी जनौले बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 19 नेवार पानी में यात्रुवाहक बस पैदल यात्री के ठोकर दहला बाद 2 जने के मृत्यु भइल बा, अन्य 4 जने घायल भइल बाड़न। रोहतहर के गौर से हेटौड़ा होखत नारायणगढ़ तरफ जा रहल बागमती प्रदेश 03001-09936 नंबर के बस देवसु भैलो खेले जा रहा पैदल यात्री के ठक्कर दहले रहे। बस के ठक्कर से हेटौड़ा 19 नेवार पानी के 20 वर्ष के सूरज बिष्ट, चितवन पिपले के 34 वर्ष के प्रेम बहादुर सिंह ठकुरी के मृत्यु भइल, जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौले बा। वैसे ही तेरथुम के मऊआ खोला गांव पालिका के एम्बुलेंस दुर्घटना भइला पर 1 जने के मृत्यु भइल बाटे। बीमार लेके सुनसरी के धरान तरफ जा रहा एम्बुलेंस कालू राति मिलके डाड़ा के पास दुर्घटना में पड़ल रहे। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पम्फा भूषाल भारत आ बांग्लादेश लगायत के पड़ोसी देश सबके विद्युत बिक्री के रास्ता खुलल बतौले बानी। मंत्री भूषाल भारत से विद्युत व्यापार शुरू हो चुकल आ बांग्लादेश से सकारात्मक ढंग से बात आगे बढ़ रहा बतौनी। हाँ, मंत्री भूषाल भारत से विद्युत व्यापार के शुरुआत हो चुकल बतावत ऐसन व्यापार दक्षिण एशिया के ही पहलका भइल बतौनी। मंत्री भूषाल जल विद्युत क्रमशः बढ़ते गई आंतरिक खपत बढ़े पड़े के बतावत विद्युत व्यापार से देश के ही व्यापार घाटा के अवस्था में सुधार करे के बतौनी। हामी कहाँ क्रमश जलविद्युत उत्पादन हुँदै गइराखेको छ, आन्तरिक खपत पनि हामीलाई बढाउने आवश्यकता भएको छ, हामी त्यता पनि त्यसको पनि अध्ययन र तयारीमा छौँ। तर सँगसँगै फेरि हामीसित बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्ने, निर्यात गर्न पाउने एउटा नयाँ स्थितिमा पुगेका छौँ। यसले विद्युतको व्यापार मात्रै हुन्न, हाम्रो देशको जो व्यापार को जो असन्तुलनको स्थिति छ, व्यापार घाटा बढी छ, त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ। भान्सामा प्रयोग होखेवाला LP ग्यास लगायतकै ऊर्जा सबके विद्युतसे विस्थापित कर सकल जाए त देशके व्यापार घाटा कम होखेके बताउने। मन्त्री भूषाल नेपाल कृषि प्रधान देश भइलासे सतह सिंचाई, ग्राउन्ड अफ वाटर आ लिफ्ट सिंचाई करके खेती योग्य जमीन में सिंचाई पुगावेके बताउने। मंत्री भूषाल उद्योग सबके अब चाहल जितना विद्युत देवे के बतावत ऊर्जा खपत करे के उद्योग के नया सोच के साथ आगे आवेला भी आग्रह कैनी। मंत्री भूषाल आंतरिक खपत खातिर विद्युत महसूल घटावल बताउने। कृषि प्रधान देश तर हामी मौसमी उसमा भर पर्ने जस्तो सबै खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ छैन, त्यसैले जहाँ खेती योग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउने नीति छ। सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर या लिफ्ट सिँचाइ गरेर पनि हामी सिँचाइमा पुर्याउँदैछौँ र त्यसको निम्ति मैले विद्युत महसुल एकदमै न्यून गरेको छु। र त्यसो भएर अब हामी कहाँ सञ्चालनमा रहेका फुल फ्लेजमा चल्न पाउने र यदि ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योग छन् भने म एकदमै अझ नयाँ नयाँ ढङ्गले आउनका निम्ति पनि अपिल गर्छु। मन्त्री भूषाल अब सवारी साधन खरिद कैलापर विद्युतीय सवारी साधन के प्रोत्साहन देवे के बतावत पेट्रोलियम पदार्थ आ LP ग्यास के विस्थापित कर सकल जाए त नेपाल के व्यापार घाटा में सुधार होखे के बताउनी।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी बीच भेटवार्ता भइल बाटे। दोपहर 12 बजे ओली राष्ट्रपति भंडारी के भेटेला शीतल निवास प्रवेश कैले रहने। शीतल निवास स्रोत के मुताबिक दशहरा दिवाली आ रहल छठ पर्व के अवसर में शुभकामना आदान प्रदान खातिर अध्यक्ष ओली शीतल निवास पुग्ने हुए। वाहक अध्यक्ष ओली आ राष्ट्रपति भंडारी बीच आए वाला अगहन में होखे वाला एमाले महाधिवेशन के बारे में समेत बातचीत भइल बाटे। राष्ट्रपति भंडारी नौवा महाधिवेशन में उपाध्यक्ष निर्वाचित भइल रहने। एमाले के दसवा महाधिवेशन आए वाला अगहन 10, 11, 12 गते चितवन में होखे वाला बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। मिथिला में लोक आस्था के महान पर्व छठ के तैयारी शुरू भइल बाटे। मिथिला के प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम में छठ पर्व के तैयारी शुरू भइल हुए। जनकपुर के पोखरी सब के अभिन्न सजावे के काम धमाधम शुरू भइल बाटे। जनकपुर के रामायणकालीन पोखरी सब धनुष सागर, गंगा सागर, अंगराज सरोवर लगायत के पोखरी सब में भव्य रूप में छठ पर्व होखेला। एकरा के अभिन्न विभिन्न पोखरी सब में रहल छठ पूजा समिति तथा स्थानीय युवा क्लब सब सजा रहल बा। स्थानीय क्लब सब स्थानीय स्तर से सहयोग जुटा के पोखरी सब के सजाव के काम के अंतिम तैयारी में लागल पूजा व्यवस्थापक समिति जनौले बा। ग्रामीण क्षेत्र में भइल पोखरी नदी तथा सरोवर सब के सरसफाई तथा सौंदर्यकरण के काम शुरू भइल आ गंगा सागर छठ पूजा समिति गंगा सागर के पास छठ खातिर घाट निर्माण कर रहल बा। निष्ठापूर्वक 4 दिन तक मनावल जाए वाला छठ पर्व सोमवार से नहाए खाए विधि के शुरू होगी। छठ पर्व बहुते निष्ठापूर्वक मनाव के भइला से एकरा के सबसे कठोर पर्व के रूप में समेत लिहल जाला। इ पवनी के पहिलका दिन नहाए खाए कैल जाला त दोसरका दिन खरना होखेला, तेसरका दिन डूबत आ चौथा दिन उगत सूरज के अर्घ दे के मनावे के प्रचलन बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध के आंदोलन के थप कार्यक्रम लियावेला नेपाल बार एसोसिएशन आज से आंतरिक छलफल करे वाला बा। आंदोलन के थप कार्यक्रम तय करेला बार देशभर के 90 गो इकाई के पदाधिकारी संगे आजुआ बिहान छलफल करे वाला बाटे। छलफल बाद आंदोलन के नया आ सशक्त कार्यक्रम तय करे के बार के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ जानकारी देने। बार द्वारा इससे पहले प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करत सर्वोच्च अदालत आ बार परिसर में करिया पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कैल गेल रहे। प्रधान न्यायाधीश 17 गते भीतर राजीनामा न देला पर आंदोलन के थप कार्यक्रम सार्वजनिक करे के बार एसोसिएशन इससे पहले ही घोषणा कर चुकल बा। दारचूला के तिंकर छायालेख में रहल नेपाल प्रहरी कार्तिक पहिलका हप्ता से छागरु आइला बा चीन संगे सीमा जुड़ल नाका सुरक्षाविहीन बनल बाटे। स्थानीयवासी बसाई सरल बिनाही प्रहरी ठंडी छले खातिर छागरु झरल हुए। कार्तिक पहिलका हप्ता आइल अविरल वर्षा आ हिमपात संगे ही तिंकर के छायालेख स्थित प्रहरी सब छागरु झरल। जिला प्रहरी प्रमुख मनोहर प्रसाद भट्ट जानकारी देने। हिमपात के कारण अत्यधिक जाड़ा बढ़ल, पानी समेत पिए ना सके वाला अवस्था भइला बाद प्रहरी अभी उठाव में जा रहल बा। अभी छारुंग आ तिंकर प्रहरी नीति कुंड में ही रहल बाटे। वहाँ के स्थानीयवासी आवेला अगहन पहिलका हप्ता मात्रे सदर मुकाम खलंगा बसाई सराई सरे के तैयारी भइल। ब्यास गाँवपालिका एक के वड़ा सचिव विनोद सिंह बुढ़ाथो की जानकारी देने। चीन संगे जोड़े वाला मार्ग में रहल प्रहरी चौकी भवन सुविधा संपन्न ना भइला से सुरक्षाकर्मी वहाँ बरहो मास रह ना सकेला लोग। अब आर्थिक समाचार। कास्की के अन्नपूर्ण के बलकार के लागत 7% से वृद्धि भइल बाटे। कास्की के सारंगकोट में निर्माणाधीन केबल कार परियोजना के अनुमानित लागत 1,78,00,00,000 रुपया रहल में बढ़ के 1,90,00,00,000 रुपया पुगल हुए। कंपनी परियोजना खातिर थप जगह प्लांट आ मशीनरी खरीद कैला से लागत महंगा भइल हुए। सन 2021 के अप्रैल से ही संचालन करे के लक्ष्य भइला पर भी कोरोना महामारी के कारण निर्माणाधीन अवधि 2022 फरवरी तक सम्पन्न होके के अनुमान कैल गेल बा। कंपनी द्वारा परियोजना शुरू करत समय एकर लागत 98,50,00,000 रुपया के करीब रहे। केबल कार जड़ान टाई तार टांगे के काम से लेके परीक्षण संचालन हो चुकल 2.3 किलोमीटर लंबा केबल कार परियोजना में 18 गो गोंडोला रही
अन्नपूर्ण केबलकार के आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिक सहायता जापानी कंपनी निपुण केबल करते आ रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी के निवास में इतवार के सवेरे विस्फोटक पदार्थ सहित के ड्रोन हमला कैल गई बा। आज सवेरे भइल हमला में प्रधानमंत्री के निवास के लक्षित कैल गई समाचार एजेंसी रॉयटर्स जनौले बा। इराकी सेना द्वारा प्रधानमंत्री के हत्या करे के उद्देश्य सहित हमला कैल गई लेकिन वहाँ के सुरक्षित रहल जानकारी दल गई बा। प्रधानमंत्री अल कादिमी अपन आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपना सुरक्षित रहल बतावत शांति कायम करला अपील समेत कैले बानी। अभी तक कौन भी संगठन आक्रमण के जिम्मा नहीं खेले हले। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप अंतर्गत अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड बीच आज खेल हो रहल बा। दोपहर 12 सुपर 12 के समूह दू अंतर्गत अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड बीच के खेल अबूधाबी में दोपहर 4:15 शुरू होगी। इस समूह से लगातार 4 जीत हासिल करत पाकिस्तान सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकल बा। बाकी एक स्थान खातिर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान और भारत संघर्षरत बाटे। लेकिन आज के खेल में न्यूजीलैंड जीत हासिल कैला पर सेमीफाइनल में स्थान पक्का करे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सल्यान में बस दुर्घटना में 8 जने की मृत्यु 26 जने घायल, घायल सबके उद्धार कार्य जारी। बिहान से शुरू हो रहा छठ पवनी के अवसर में जनकपुर धाम में भव्य तैयारी। रामायण कालीन पोखरा धनुसागर गंगा सागर अंगराज सरोवर सजाओल जा रहा। भारत आ बांग्लादेश से विद्युत बिक्री के रास्ता खुलल। ऊर्जा मंत्री भूषाल के कहना पेट्रोलियम पदार्थ के विस्थापित कैला पर व्यापार घाटा में सुधार होने के आशा। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा निवास के लक्षित करत विस्फोटक पदार्थ सहित के ड्रोन हमला प्रधानमंत्री मुस्तफा सुरक्षित। आ आईसीसी T20 विश्व कप अंतर्गत अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड बीच आज प्रतिस्पर्धा हो रहा। न्यूजीलैंड जीती तो सेमीफाइनल में स्थान पक्का। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।